हाय गाइस, सोलन हिल पेंट्रिक चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में आप लोगों को मैं जो लोन एप्लीकेशंस का रिव्यू दूंगा, इस एप्लीकेशंस का नेम है ग्रीन लोन। तो गाइस, इस एप्लीकेशंस पे लोन अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर इन तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं ग्रीन लोन एप्लीकेशंस का लोन प्रोसेस के बारे में पूरा डिटेल्स में बताऊँगा, और उसके साथ साथ ये बताऊँगा कि ग्रीन लोन एप्लीकेशन रियल है या फेक है, और ये एप्लीकेशन सच में लोन प्रोवाइड करता है कि नहीं, और आप लोगों को इस एप्लीकेशंस पे लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो गाइज़, शुरू वीडियो को आप लोग इन तक देखिएगा, और गाइज़ अगर कोई चैनल पे नए विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइज चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज़, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं ग्रीन लोन एप्लीकेशंस का लोन प्रोसेस लाइव प्रूफ के साथ नहीं दिखा पाया, क्योंकि इस एप्लीकेशंस की तरफ से स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्ड करने की अलाउड नहीं था। बट गाइस, मैं ऑलरेडी इस एप्लीकेशंस का लोन प्रोसेस चेकअप कर चुका हूँ, तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि इस एप्लीकेशंस का लोन प्रोसेस क्या है। तो गाइस, ग्रीन लोन एप्लीकेशंस को ओपन करने के टाइम पहला इंटरफेस इस टाइप का आ जाता है, मैक्सिमम लोन अमाउंट अप टू 2 लाख। तो नीचे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आ जाएगा लॉगिन का ऑप्शन। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को फिल करना होगा बेसिक इन्फॉर्मेशन और बैंक इन्फॉर्मेशन। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आ जाएगा लोन अमाउंट और 10 वन डे चूज करने का ऑप्शन। तो गाइस, सपोज आप लोगों ने इस एप्लीकेशन की तरफ से 30,000 लोन 210 डेज के लिए सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, और नीचे आप लोगों को एक डिपॉजिट फी दिखने को मिल जाएगा 686 रुपीज। तो गाइस, यहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर कोई ग्रीन लोन एप्लीकेशन की तरफ से 30,000 लोन 210 डेज के लिए लेना चाहते हैं तो पहले एक डिपॉजिट फी पे करना होगा 686 रुपीज। तो गाइस, अभी बात यह कि अगर आप लोग ग्रीन लोन एप्लीकेशन की तरफ से 30,000 लोन पाने के लिए पहले 686 रुपीज डिपॉजिट फी पे कर देते हैं तो आगे जाके ग्रीन लोन एप्लीकेशन की तरफ से आप लोगों को लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइस ग्रीन लोन एप्लीकेशन एक फेक एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन लोगों को लोन देने के नाम पे सिर्फ लोगों से डिपॉजिट फी ले लेता है और आगे जाके लोन प्रोवाइड नहीं करता है। तो गाइस, ग्रीन लोन एप्लीकेशन एक फेक एप्लीकेशन है और आप लोग इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई ना करें और लोन के लिए पहले डिपॉजिट फी पे ना करें। तो गाइस, अभी आप लोगों को मैं ग्रीन लोन एप्लीकेशन का रिव्यू दिखाऊंगा कि इस एप्लीकेशन के बारे में क्रिटिकल पे क्या रिव्यू दिया गया है। तो पहले रिव्यू देख सकते हैं, आस्किंग मनी फ्रॉड ऐप। नीचे रिव्यू पे ये कहा गया कि इट्स अ फेक, डोंट इंस्टॉल। नीचे रिव्यू पे ये कहा गया कि फेक ऐप, और लास्ट व्यू पे ये कहा गया कि फेक एंड फ्रॉड आस्क्ड मनी। तो गाइस, ग्रीन लोन एप्लीकेशंस के बारे में क्रिटिकल पे जितने सारे रिव्यू दिया गया है, रिव्यू देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि ग्रीन लोन एप्लीकेशन एक फेक एप्लीकेशन है। और गाइस, ग्रीन लोन एप्लीकेशन हो या अलग कोई भी लोन एप्लीकेशन हो, अगर आप लोगों को कहता है कि लोन के लिए पहले एक सर्विस फी या डिपॉजिट फी पे करना होगा तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप लोग लोन के लिए पहले डिपॉजिट फी या सर्विस फी पे कर देते हैं तो आगे जाके आप लोगों के साथ भी फ्रॉड हो जाएगा। तो गाइस, ग्रीन लोन एप्लीकेशन एक फेक एप्लीकेशन है और आप लोग इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई ना करें और लोन के लिए पहले डिपॉजिट फी पे ना करें। तो गाइस, यही था आज का एक छोटा सा जानकारी। तो आप लोगों के साथ मुलाकात हो रहा है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।